वंदे मातरम। हम नमस्ते नमस्ते करते थे तो वो हंसते थे, जब हम योगा किया करते थे तब भी वो हंसते थे, हम पेड़ पक्षी पशुओं की जब पूजा करते थे, उनको देवी माना करते थे, तब भी वो हंसते थे, हम जब मम्मी पापा के पांव दबाया करते थे तब भी वो हंसते थे, जब हम घर में अंदर आने के समय बार बार हाथ धोकर पांव धोकर भोजन किया करते थे ना, तब भी वो हंसते थे, हम वेजिटेरियन डाइट खाया करते थे तब भी वो हंसते थे, हम अपने शरीर को जलाया करते थे ना तब भी वो हंसते थे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अब कोई नहीं हंस रहा, ये 260 जो देश है ना ये सब चुपचाप बैठे हैं और आज सब नमस्ते नमस्ते कर रहे हैं। ये नमस्ते इस देश की ताकत महसूस कराता है। हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व पर गौर कीजिए, हिंदुत्व पर विश्वास कीजिए। ये हिंदुत्व एक विज्ञान के आधार पर आधारित एक जीवन की विश्वास कला है। आप और मैं हिंदुत्व हैं, हिंदुत्व के आधार पर हम अपनी आधारशिला रखेंगे, वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष के साथ इस देश को इस विश्व को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना कोरोना तो चला जाएगा, कोरोना कोरोना तो चला जाएगा, चिंता मत कीजिए, हिंदुत्व पर विश्वास रखिए, इस देश का खोया हुआ गौरव वापस आएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सीरियस कैंसर, देयर वॉज नो ट्रीटमेंट विच कुड क्योर मी। Ultimately, I came to this ashram, and in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime, I will serve in this ashram. I will not take up any job, because this ashram has given me a new life, new lease of life. My own experience, I said I was in a village doing cultivation. And when I got elected to the parliament, I had to choose either to work in the parliament or to be a farmer. And I had no option but to give up farming. When I gave up farming, I had severe pain in the knee joint. And when I went to get it examined, a doctor told me, you need replacement of your knee joints. I said, doctor, short of this, tell me anything I'll do, but I cannot go for knee replacement. Then he said, you strengthen your muscles. I said, okay. I was not able to climb the stairs. I started Vajrasana yoga, practicing yoga. Today, I'm able to boldly tell you, after that, I could do even wrestling without any difficulty. अभी ग्रुप के कर्मचारी अधिकारियों सबको नमस्कार, धन्यवाद कि ऐसे विषम परिस्थिति में आज देश में जब कोरोना वायरस का डर भरा हुआ है और उससे गहरी चिंता है, उसमें हमारे ग्रुप के सभी अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं और देश की सेवा में लगे हुए हैं। जैसे कि कल रात के प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी स्पीच में बोला है कि देश में कोरोना वायरस के इसमें आप सब लोगों को घर में सुरक्षित रहना चाहिए, बहुत सही सलाह है। लेकिन साथ में मोदी जी ने यह भी कहा है कि खाने पीने की चीज फूड इंडस्ट्री को में काम करने की छूट दी गई है और खाद्य सप्लाई को करने के लिए सबको अनुमति दी है और उसके लिए उन्होंने टाइम फिक्स किया है ताकि लोगों को जो 130 करोड़ जनता जो घर में बैठी हुई आज हमारी फूड इंडस्ट्री के भरोसे बैठी है, आपके भरोसे बैठी है, उनको हमें फूड सप्लाई करना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि देश में इतनी बड़ी माहौल में भी, कोरोना वायरस के माहौल में भी, हमारे निजी अस्पताल के डॉक्टर, सिस्टर, नर्स, पुलिस, तमाम सेवा कर्मचारी, नगर निगम के सब लग के अपनी देश की सफाई कर रहे हैं, मरीजों का ख्याल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन कर रही ताकि इसको रोका जाए। उसी तरीके से हमारी भी देश के तमाम फूड इंडस्ट्री में काम करने वालों को आज इस बात की ज़रूरत है कि वह सामने आए, फूड इंडस्ट्री का उत्पादन करें और लोगों के 130 करोड़ जनता जो आज घर में बैठी किसी कोरोना वायरस के डर से, जो हमारे देश में छाया हुआ है उसके डर से, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनको घर तक फूड पहुंचा के दें। उसके पहले फूड बनाना जरूरी है, जिसकी जिम्मेदारी हमारी सब कंपनी के सब कर्मचारियों के ऊपर है, पूरे देश के ऊपर है। नहीं तो आप यकीन कीजिए कि एक हफ्ते बाद लोगों को खाने के लिए फूड नहीं रहेगा, महंगाई 4 गुना बढ़ जाएगी और इसका पूरा इल्जाम हमारी फूड इंडस्ट्री पर आएगा। तो ऐसे तौर से हमें बचना चाहिए और हम आपके पूरे जीवन के लिए पूरी सावधानी रखेंगे। सरकार का भी नियम का पालन कर रहे हैं, हर फूड इंडस्ट्री कर रही है। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जैसा आज तक काम किए हैं वैसे ही आगे बढ़ के देश के 130 करोड़ जनता जो घर में बैठी है उनके लिए आगे बढ़ के काम करें, जनहित में काम करें। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ
और यकीन भी करता हूँ कि न सिर्फ आईबी ग्रुप के लोग बल्कि देश के हर फूड कंपनी के लोग, पोल्ट्री के लोग इसमें बढ़ेंगे, काम करके हमको काम करेंगे। आज आपको देखने के लिए उदाहरण है कि इतने विषम पश्चिम देश में, विदेश में, हॉस्पिटल में कितनी नर्सें, कितनी सिस्टर और कितने डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगा के काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा समय है जिसमें हमें भी आगे बढ़ के देश में इन डॉक्टर और नर्सों से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी हमारे को सुरक्षित करने में लगा हुआ है। हो सकता है कहीं कहीं प्रशासन के अति दबाव में आके कुछ कार्रवाई की जा रही है, हम आपकी भी जाने के पास व्यवस्था करेंगे ताकि आप पुलिस प्रशासन को बता के अपनी जगह में पहुंचे और सुरक्षित घर पहुंचे, और जो भी सरकार के नियम आपको स्वास्थ्य के लिए बनाए गए हम उसका पालन करेंगे, और आपकी भी कोई सलाह होगी तो हम उसमें ध्यान रखेंगे। याद रखिए आपका जीवन भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितने 130 करोड़ लोगों की जनता का और हमारा खुद का है। हम पूरा वायदा करते हैं कि हम आपके जीवन के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होने देंगे और पूरी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। और मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आईबी ग्रुप के हर कर्मचारी अपनी अपनी जगह में जाएं, काम करें और लोगों के 130 करोड़ जनता को फुर्सत पाए करने में सहयोग दें। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, कठिन परिश्रम का समय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें जाके कार्य करके देश को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को महामारी से बचाएंगे।